हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम क्रिकेट कोच के शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफ स्पिनर के बारे में। ऑफ स्पिनर का ग्रिप कैसे होना होता है, ऑफ स्पिनर का रिलीज पॉइंट कहाँ होना चाहिए और ऑफ स्पिनर का फॉलो थ्रू कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जिससे एक बेहतर ऑफ स्पिनर आप बन सके। तो सबसे पहले आते हैं ऑफ स्पिनर कहते किसे हैं। ऑफ स्पिनर बेसिकली बॉल जो होता है स्टॉक डिलीवरी और टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आता है, ये हमारा ऑफ स्पिनर कहते हैं। इसको पकड़ते कैसे है, बॉल को ग्रिप कैसे करते हैं, अब वो जानते हैं। लेदर की बॉल है, तीन फिंगर से हम बॉल को पकड़ते हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। ये तीनों का मेन रोल होता है और बाकी ये दो फिंगर का कोई रोल नहीं होता है। तो इन दो फिंगर के बीच में बड़ा सा गैप लेने के बाद कुछ इस तरीके से बॉल को पकड़ते हैं और थंब से ऐसे सपोर्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये है हमारा ऑफ स्पिनर का ग्रिप। ऐसे बॉल पकड़ने के बाद हमारा रिलीजिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए। अगर हमें बैट्समैन को फ्रंट फुट पे खिलाना है तो हमारा रिलीज पॉइंट जो है वो होना चाहिए टॉप ऑफ द हाइट। ये हमारा रिलीज पॉइंट होता है और रिलीज करने के बाद आपको फॉलो थ्रू कुछ इस प्रकार से करना है कंप्लीट। आपका नॉन बॉलिंग आर्म पूरा पीछे की ओर जाना चाहिए और आपका बॉलिंग आर्म भी पीछे की ओर जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ जाना चाहिए। ये आपका फॉलो थ्रू है। अब आते हैं कि हमें बॉल को रोटेशन कैसे देना है। हमें रोटेशन कैसे देना है, हमारा बॉल जो है हाथ से रिलीज होता है कुछ इस तरीके से और बॉल का रोटेशन होता है कुछ इस तरीके से और बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती है, जिसे हम ऑफ स्पिन कहते हैं। बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा एक स्पॉट पे बॉलिंग करने के लिए हम एक स्पॉट बना करके वहाँ पर लगातार बॉलिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा लाइन और लेंथ दोनों परफेक्ट हो जाए, हमारा रिलीजिंग पॉइंट परफेक्ट हो जाए, जिससे हम एक जगह पे काफ़ी बॉल फेंकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले पाएँ। तो अगर ये बॉल आपको सीखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने रिलीज पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अगर घर में है तो आप अपने फिंगर को रोटेशन के लिए कुछ इस तरीके से शैडो भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसे बॉल को तेज से रोटेट करना है जिससे आपका रिलीज टाइम पे बॉल तेज़ी से रोटेट होगा और टप्पा खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बॉल टर्न होगा, कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आपने मेरे वीडियो को देखा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो।